उपयोगी साबित हो सकती है जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आप चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे एक व्यूअर का, मैम नेट का फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो आपको बता दूं साथियों कि आपको पता है कि अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो नहीं हुआ है और आपका अगला एग्ज़ाम जून में होने वाला है। तो आप सोचिए कि दिसंबर का एग्ज़ाम कब होगा और जून का एग्ज़ाम कब होगा। तो इन दोनों को दृष्टि में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम एक बार फिर मर्ज होगा दिसंबर 2022 और जून 2023 का। तो एग्ज़ाम आपका वही जून जुलाई अगस्त के बीच में होगा, इसलिए आपका फॉर्म मार्च में भरा जा सकता है। भरा जा सकता है या 100% भरा जाएगा, इससे पहले नहीं भरा जा सकता है, ठीक है? तो आपको इसी दृष्टि से तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। देखिए साथियों, यदि आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो आपने सोचा क्यों कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है? यदि आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है तो पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। बात एक ही आती है कि आलस आता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो भाई आपको अपना उद्देश्य याद करना होगा, आपका एम क्या है, है ना? साथ ही जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का सिलेबस समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया है फर्स्ट पेपर का। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पूरी 10 जो इकाई हैं उन पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही अलग अलग इकाई का मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे टीचिंग का है, रिसर्च का है, कम्युनिकेशन का है, ये तीन वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं कि ये इकाई आपको कैसे तैयार करनी है, कहाँ से तैयार करनी है, ओके? और आपका सब्जेक्ट क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ तो हिंदी का सिलेबस भी मैंने एक वीडियो में कवर कराया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं पता है तो बता दूं कि नेट का जो पेपर होता है उसमें 150 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं आपके अनिवार्य पेपर जो होता है, जिसमें आपकी 10 इकाई होती हैं, उन्हीं से 5-5 प्रश्न लिए जाते हैं और 100 प्रश्न आपके बनते हैं आपके सिलेबस से। कुल मिला के इन 150 प्रश्नों में आपको 100 प्रश्न सही करने होते हैं। यदि आप 100 प्रश्न सही कर लेंगे, 100 से ज़्यादा अभी जो कट ऑफ गई थी वो तो लगभग 105 प्रश्न पर गई थी जिनका जेआरएफ हुआ है, उनका लगभग 105 प्रश्न जिनका सही था उनका जेआरएफ हुआ है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि 100% में आपको 70% कवर मतलब क्वालिफाई करना है, 70% से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है? और इसके लिए आपको मैंने कई बार जो स्ट्रेटजी बताई है और अगली वीडियो में भी स्ट्रेटजी बता दूंगी, जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे और अपने नोट्स बनाने में, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं और बीच में रखना है अपना सिलेबस, ठीक है? सिलेबस देखते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करिए, ठीक है? पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी है वो भी मैंने आपको बताई है, एक बार फिर फर्स्ट पेपर के लिए बता देती हूँ, यूथ कंपटीशन, केवीएस मदान या फिर अरिहंत की पुस्तक, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। वही पढ़ना तो है ही, यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं, परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है? तो आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ। साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली क्विज कराया जाता है, आप लोग फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी के लिए वहाँ पर लगभग हिंदी और फर्स्ट पेपर लगभग 480 PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं, ओके? चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आपका कोई प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।